सो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Realme 11 5G या Realme 11 X 5G मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है, यानी इस मोबाइल को आप सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करोगे, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरा Realme का मोबाइल है तब भी इस वीडियो को देख सकते हो। सभी मोबाइल में दोस्तों सेम ही प्रोसेस रहेगा सिस्टम अपडेट करने का। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप अपने मोबाइल के दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है तो सेटिंग में नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे और यहाँ पर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Realme UI का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए Realme UI Android 13 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है और यहाँ पर देखिए दोस्तों अबाउट दिस वर्जन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए कैमरा में इम्प्रूवमेंट कुछ किया गया है और नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो इसी प्रकार से जब दोस्तों मोबाइल में कुछ सुधार किया जाता है तभी आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आता है। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट का साइज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.24 GB का अपडेट है इस मोबाइल में। तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन जो दिख रहा है, डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग लाइन स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक दोस्तों ये जो है अपडेट डाउनलोड हो रहा है तब तक दोस्तों मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब डाउनलोडिंग लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन चलेगी जिस पे लिखा होगा एक्सट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी देर इंतजार कर लेना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आप लोगों के सामने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंस्टॉल नाउ का दोस्तों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाइंग लिखा हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों जब ओपन होगा तो सिस्टम अपडेट ही होकर ओपन होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।